Assalamu alaikum and very hello to all. Myself Bushra Fatima is a dietitian and this video is about I have done my fourth Facebook ladies group session regarding the topic. So I have shared my views and showed you. So please do share, comment what you feel about my efforts here. And there will be more further videos informative, so do watch till end and do not forget to comment, subscribe. Thank you. Rahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'm back again with another very interesting episode of Sayyidat Global Talk Show. Aaj mere respected aur honorable guests mein hai Wania Zaidi, Bushra Fatima Khan aur Sayyida Shifa. सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आप लोगों ने वक्त निकाला है और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना पसंद किया है और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए जो है वो हामी भरी एक्सेप्ट किया है. तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दो ताकि फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे. तो अभी फिलहाल 2019 तक मेरा जॉब था एज अ डाइटिशियन इन हैदराबाद हॉस्पिटल में. फिर मैं जिम में भी करी एस लिमिंग सेंटर में. तो फिर उसके बाद गैप हो गया 2019 से कुछ नहीं. फिर स्टार्ट हुआ कि नहीं फिर से करियर स्टार्ट करना है. सो आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रीवर्स विद डाइटिशियन बुशरा. उसमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते. फिर मैं ऑनलाइन मेरी इंटर्नशिप भी करी रिसेंटली. वो पूरा ब्रेकअप में दो भी चले गए सब कैलकुलेशन जैसा काउंसिलिंग करना है सब. तो साथ में मैं जुम्बा क्लासेस था वो भी करी. अभी ESPN इंटरनल पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी मैं मेंबरशिप ली भी हूँ. तो ये सब क्या स्टार्टअप हो रहा है. मेंटल स्ट्रेस जो है ना ये दैट इज नथिंग बट चेंज इन योर बिहेवियर रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ये आपके कुछ चेंज है मेंटल है वो बिहेवियर से चेंज होता. और ऑब्वियसली आपका मेंटल और ये फिजिकल अब जैसे मेंटली स्ट्रेस अप हो तो आपका फिजिकली भी कैसा भी इफेक्ट होता. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस. अब अभी हेरिडिटी की बात जो करें नशीफा भी हेरिडिटी बहुत मैटर करती. जो आपके जीन्स क्रोमोजोम्स पेरेंट्स से जो फोर फादर से आता वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर करते कि बच्चे ऐसे वैसे. तो काफ़ी फोर फादर से चीज़ें आती. अब सिंपल एग्जाम्पल मेरे बच्चे थोड़े स्टबन है चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब इतना ईजी नहीं थोड़ा. मेरी बेटी स्टबन है चीज़ों में नहीं करती. वो क्या हमारे थोड़े फैमिली फोर फादर से एक नेचर आ रहा हो तो आप उसको बहुत ट्रेनिंग देते समझा रहे करते रहे मेरी बच्ची ऐसी वैसे कि देखो कि आपकी हेरिडिटी है ये. तो जैसा अब डिसऑर्डर की है किसी की फैमिली में डायबिटीज आता है वैसे कैंसर आते ये भी म्यूटेशंस काफ़ी ऐसे ऑफस्प्रिंग से आते जाते रहते. फिर उसके बाद डाइट लाइफस्टाइल तो मैटर करती मगर हेरिडिटी जो भी छोटे से एक कैरेक्टर में आपके अच्छे में कामनेस में जैसा मैं बहुत थोड़ी सी एंग्जाइटी हूँ वो मेरी मदर से है. उनका ब्लड ग्रुप भी सेम है. तो ऑब्वियसली आपके फैमिली से आपकी छोटी की ताकत की बीमारियाँ भी ये चीज़ें हेरिडिटी मैटर करती. सही है. और मैम ये मैं लास्ट वीडियो में भी बोली कि हर चीज़ के लिए पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स है. वो कोई चीज़ दो पहलू हैड एंड टेल से. तो हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव है. रिसर्चर्स कोरोना के बाद काफ़ी टॉक शोज अब हर किसी को मोटिवेशन टॉक्स चाहिए. वो मोटिवेशन चाहिए किसी को हंसने का चाहिए माइंड डाइवर्ट करना है. सब स्ट्रेसअप हो गए. किसी को काम का टेंशन किसी को बच्चों की पढ़ाई का टेंशन प्लानिंग का टेंशन. यहाँ पे सऊदी में हमारे वीजे हो रहे थे आना जाना इकामा हो गया डिपेंडेंस हो गया यहाँ पे महंगाई वहाँ पे महंगाई कोरोना से परेशान. तो सब लोग स्ट्रेसअप हो गए. तो स्ट्रेस को भी पॉजिटिव वैसे ले मेक योर स्ट्रेस एज अ फ्रेंड. तो रिसर्च करें कि आपकी थिंकिंग में पॉजिटिविटी आ गई तो आप इजी गोइंग हो सकते. अगर भी आपको बहुत डिजास्टर तब तक आपको मतलब आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपकी हेल्थ के बारे में. तो उन लोग रिसर्च करें कि 100% में से जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हॉस्पिटल में एडमिटेड दे वर एंड दे वर रिकवर ट्रीटमेंट चल रहा था but they unfortunately they could not do their diet because they have very anxiety ki corona ke bare mein bahut negativity thi ki hum mar ja rahe ye hone se ne saans usi ho ja rahi isme saans mein chal jata hamara to ye wo recover matlab thode symptoms mein bhi hua to wo recover nahi because they got researched ki
उन लोग के माइंड में बहुत नेगेटिविटी थी, और जो लोग 30-35 थे उन लोग न्यूट्रल थे, कि मतलब उन लोग में एक ऐसा पॉजिटिव थॉट्स था कि हाँ ये मतलब एक दूसरी भी एक सीवियर निमोनिया है, का निमोनिया भी आम चीज़ है, सर्दी खांसी ये भी होता, काढ़ा पी लो, ये कर लो, थोड़ा इनहेल स्टीम ले लो, ऐसा व्हेन यू हैव पॉजिटिव थॉट्स अबाउट एनीथिंग व्हाट यू आर टेकिंग, अपने ऊपर है वो लेना है, मालूम है स्ट्रेस ऑब्वियसली किसी को होता कोई चीज़ आ रही, तो अपने ऊपर पॉजिटिव थिंग्स लिए, जैसा भी डिसऑर्डर ही है सिंपल, अब फैमिली इश्यूज भी है, रिलेशनशिप इश्यूज है, हस्बैंड वाइफ होते, पेरेंटिंग, किसी के बच्चों का रहता, किसी को बच्चे नहीं होते, मगर स्ट्रेसअप हो जाते, वो सोल्यूशन नहीं, आप उसको बहुत सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव, तो पॉजिटिव चीज़ निकालो, आपके स्ट्रेस को फ्रेंडली लो और उसको ऐसा करो कि सोशलाइजिंग कर सकते, दोस्त बनाओ, मगर बस फूड के बारे में आप लोग ये बताते हैं कि कौन से फूड है जो यूज़ किए जा सकते हैं टू प्रिवेंट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। बुशरा जी। जी मैम, मैंने जितना नॉलेज मेरे पास है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये ज़्यादातर ये तीन चीज़ों के मतलब रिपीटेड आए हुए, विटामिन सी तो इम्यूनिटी, ये कोरोना में भी हर जगह ये उसके टैबलेट्स लेके रख ले रहे थे हम लोग कि इससे इम्यूनिटी आती, तो विटामिन सी, और मैं एक मालूम करी कैमोमाइल टी, जो मेरे चैनल पे भी बताई थी, वो हर्बल टी है, वो काफ़ी सारे रिसर्चर्स फाउंड करे कि बहुत तो जिसको नींद नहीं आती रात में, इंसोम्निया प्रॉब्लम्स रहते, तो वो जो प्रेग्नेंट लेडीज थे वो 2-3 सर्विंग्स देंगे कैमोमाइल, उसमें जो केमिकल है, तो उससे उन लोगों को नींद के ये रिलीफ होता, उन लोग अच्छा आराम से सो रहे थे, तो ये प्रेगनेंसी लेडीज में बहुत इफेक्टिव है, नॉर्मली भी पी सकते। और है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आयरन रिच फूड्स, मतलब जब आपके पास मतलब ये आपके वाइटल्स है, आपके ये सब हीमोग्लोबिन लेवल्स है, ये सब नॉर्मल होना चाहिए, जब आपके पास इनफ हीमोग्लोबिन नहीं, आप एनेमिक है, तो ऑब्वियसली कि आपकी इम्यूनिटी लेवल भी कम है, तो आपको अगर कोई स्ट्रेस है, कोई चीज़ का है, तो आप फाइट नहीं कर सकते, तो आप आपकी जो चीज़ है बॉडी में वाइटल्स है वो बराबर होना चाहिए, तो आयरन रिच फूड जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, ब्रोकली का है, स्पिनच है, केले ये है, और प्रोबायोटिक्स है, जैसे ये अपन जो इंसान जब स्ट्रेस से बहुत आना, पहले कोई टेंशन हो कोई चीज़ से, उसका पहले स्टमक से गट, ये कहीं जिसको पेट खराब होता, मेरे को पेट में जैसे आप बोलते बॉइलिंग वेंट बोलते, पेट खराब होता, किसी को डायरिया हो जाता, कोई हैबिट में डायरिया, किसी प्रॉब्लम, किसी को स्वेटिंग होती, कोई जैसे सिम्टम्स सबके अलग अलग होते हैं, तो गट और आपका स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो आपके गट रिलीफिंग जो फूड है वो विटामिन सी है, प्रोबायोटिक कर्ड है, लबन है, ये सब चीज़ें हैं वो ये आपके इंक्लूड कर सकते हैं आप, और विटामिन सी ब्लूबेरीज है, और फ्रूट में एवोकाडो है, ये वाले फ्रूट्स, और बेवरेजेस और कैफीन वाले ये अवॉइड करना है, जिससे आपको मतलब एंग्जाइटी हो सकती है, और फ्रूट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, एंड मैम ये फैटी फिश ये भी है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और एक डार्क चॉकलेट जिसमें फ्लेवोनॉइड्स है, तो ये सब काफ़ी है, मतलब गुड फैट्स है ये, तो आप लो फैट है, गुड फैट है, ये आपको चीज़ों में मतलब ये डाइट के मेन आपके रोल करती है। सही। हाँ मैम, ऑब्वियसली अपनी सोच जो है वो जो पॉजिटिव सोच है, और जो जैसा बोले डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो मतलब एक दो दिन होता फिर आगे नहीं होता, वो बिल्कुल भी ट्रू है, बहुत मुश्किल है चेंज करने के लिए, स्लो स्लो होना चाहिए, चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि सालों से लोग एक लाइफस्टाइल चूज करते हैं, वो अचानक चेंज होना है इट्स नॉट पॉसिबल, तो आपको पहले अपना खुद सेल्फ मोटिवेट होना है कि हमको कोई टारगेट अचीव करना है, हमको ये हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, तो माइंड सेट पहले एक अच्छा सा मोटिवेट खुद को करना है, आप रेडी नहीं हो आपके लाइफ स्टाइल के, आप रेडी नहीं हो, आप सुबह में उठ के नमाज पढ़ो, ये आप रेडी नहीं है सब चीज़ों के, जब वी आर वेरी लेजी एंड केयरलेस, अब जब है ही नहीं तो आप टारगेट कैसे अचीव कर सकते, तो माइंड सेट है, ऑफकोर्स डाइट है, डाइट में भी तो इक्वेशन जरूरी है, और एक्सरसाइज भी, हम काम करते हैं एक जगह 5-6 घंटे बैठते हैं, वॉशरूम नहीं जाते तो पानी नहीं पीते, सुबह पानी पी रहे थे, इट्स वेरी बॉटल खुल गई पानी, मैं एक घंटा बात करी मैं पानी नहीं पीऊँ बॉटल खुल गई, तो ये ना अपने एक्टिविटीज में डाला कि आप हाइड्रेटेड हो, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, चलते फिरते, डॉक्टर्स भी बैठते हैं तो कितने घंटे बैठते, 2 मिनट वॉशरूम या 2 मिनट भी पानी लिए, मतलब ये थोड़ा सा ना चले स्टेप्स चढ़े एलिवेटर के अलावा, तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अपने अपने ऊपर होना चाहिए कि हम ये ऐसा ये नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and so like this has been very getting late to upload the videos, and like there are just a few videos I'm uploading these days because my priorities and responsibilities are very much more than so, but I will still keep updating my work. Be positive, be healthy, so be connected with me, Nutrivers with dietitian Mushra Fatima. Take care.